टेम्परेचर कंट्रोलर के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। टेम्परेचर कंट्रोलर कैसे काम करता है, इसके कनेक्शन कैसे होते हैं, ये इसके ऊपर बना हुआ है। मैं आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ। और ये मेरा नया टेम्परेचर कंट्रोलर है। मैं कंट्रोलर को कैसे यूज करता हूँ और आपको भी कैसे यूज करना है, जो हमारे टेम्परेचर कंट्रोलर का काम होता है। टेम्परेचर कंट्रोलर का काम हीटिंग या किसी इंस्ट्रूमेंट को ऑन ऑफ करना होता है, कि इंस्ट्रूमेंट को हमें कितना गर्म करना है, कितना चलाना है। जैसे मेरी फर्नेस है, इंडक्शन है, कुकर है, या कोई मेरी और मोटर है, तो जैसे ही मैं उसको किसी टेम्परेचर पे सेट कर दूंगा, वो उस इंस्ट्रूमेंट को ऑन ऑफ कर देगा और वहीं से वो उसको कंट्रोल करता है ऑन ऑफ करके। दोस्तों, मैं इसके कनेक्शन करता हूँ। ये मेरा फेस हुआ। फेस के साथ एक मैं वायर और ले लेता हूँ, क्योंकि ये मुझे कॉमन पे जोड़ना होता है। ये मैंने इसको, और ये मेरा एक न्यूट्रल का है। दो नंबर पे मैंने न्यूट्रल लगाया। तो दोस्तों, जो ये वाला वायर है, एक जो कॉमन है, ये मेरा नंबर इधर 5 है, तो 5 पे जाएगा, 1 2 3 4 5, तो ये 5 पे मेरा जाएगा। ये मैं 5 पे इसके कनेक्शन कर दिए हैं। तो दोस्तों, अब ये जो मेरा ये नंबर है, ये 6 और 7, ये और 8, यदि हम टीसी यूज करते हैं तो 7 और 8 को हमें शॉर्ट करना पड़ेगा। यदि हम थर्मोकपल लगाते हैं तो 6 और 7 पर हम थर्मोकपल लगाते हैं। तो मैं इस पे 6 और 7 पे थर्मोकपल लगा रहा हूं। तो दोस्तों, ये जो हम मेरा है, ये 6 पे मेरा प्लस जाएगा और ये 7 पे मेरा माइनस जाएगा, तो ये मेरा प्लस हुआ। ये मेरा प्लस वाला पॉइंट है, इस पे ये रेड लिखा हुआ है, और ये मेरा ये माइनस पे जाएगा। यदि ये मेरा PT100 होता तो इसको और इसको शॉर्ट करना पड़ता। PT100 में कुछ में 3 वायर आते हैं, कुछ में 2, जिसमें 3 आते हैं तो वो तो डायरेक्ट ही लग जाता है। तो दोस्तों, इसके बाद में जो ये है मेरा 3 और ये जो 4 है, ये 4 मेरा NO है और 3 मेरा ये NC है। तो मैं इस पे भी कनेक्शन करता हूँ। ये मेरा जो है, ये लोड लोड वाला मेरा NO पे, NO हुआ मेरा 4, तो मैं 4 पे इसके कनेक्शन कर देता हूँ। 4 पे ये कनेक्शन मैंने, लोड वाला कनेक्शन है ये वाला, आउटपुट लेनी है मुझे इसकी, तो ये मैं लोड वाला कर दिया। और दोस्तों, ये वाला जो मेरा एक वायर है, ये वाला, ये मैं इसको कॉमन न्यूट्रल भी देना होता है, तो ये इसके न्यूट्रल के साथ मैंने जोड़ दिया, जिससे ये आने सामने वाला इंस्ट्रूमेंट ऑन ऑफ हुए। तो दोस्तों देखो, ये इसके मेरे कनेक्शन हो गए हैं। ये मेरी इनपुट है AC, और ये यहां से एक वायर लिया मैंने कॉमन पे, जो ये 5 नंबर पे है, और ये इसका आउटपुट है, ये NO 4 नंबर है, न्यूट्रल का कॉमन पॉइंट है। तो दोस्तों, ये मेरी इसकी वायरिंग पूरी हो चुकी है। मैं इसमें सप्लाई AC देता हूँ, इनपुट सप्लाई देता हूँ मैं इसमें। ये मेरी इनपुट सप्लाई, ये इनपुट सप्लाई आ गई। ये कुछ देर के बाद इसमें आ जाएगा कितना टेम्परेचर है। इसमें मेरा ये रूम टेम्परेचर दिखा रहा है, ये 21 रूम टेम्परेचर है, और मैंने कितने पे सेट किया हुआ है, ये मैंने 100 पे सेट किया हुआ है। दोस्तों, जब मुझे टेम्परेचर बढ़ाना हो तो ये वाला दबाकर उसको ऊपर को इंक्रीज करते हैं। ये वाला देखो, इंक्रीज हो रहा है। और मुझे इसको यदि डिक्रीज करना है तो ये वाला सेट दबाकर ये इसको ऐसे करना होता है। तो ये दोस्तों, ये मैं 100 पे सेट कर देता हूं,
ये हंड्रेड पे मेरा सेट हो गया दोस्तों, ये मेरा पीटी हंड्रेड है। जैसे ही इसका टेम्परेचर यहां 100 डिग्री आएगा तो ये मेरा जो टेम्परेचर कंट्रोलर है ये ऑफ हो जाएगा। और ये मैंने इस पे एक ये कॉन्टेक्टर जोड़ा हुआ है तो ये कॉन्टेक्टर पावर को ऑन ऑफ कर रहा है। तो दोस्तों ये मेरा इस पे इंडक्शन लगा हुआ है, मैंने कॉन्टेक्टर पे इंडक्शन लगाया हुआ है तो मैं ये इंडक्शन को ऑन कर देता हूँ और उसमें जो मेरा ये पानी है मैं 100 डिग्री पे इसको ऑन ऑफ करके दिखाता हूँ। देखो दोस्तों जैसे ही ये टेम्परेचर 100 डिग्री आएगा इसका तो मेरा ये ऑन ऑफ हो जाएगा। देखो ये बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है ये वाला। दोस्तों 100 डिग्री टेम्परेचर होके ये ऑफ हो गया है, देखिए एक बार और देखिए। दोस्तों ये ऐसे इसकी सेटिंग होती है, जैसे टेम्परेचर जितना हमने सेट किया है उतना आएगा तो ये हमारा जो पूरा सिस्टम है ये ऑन ऑफ करेगा। तो इससे हम ओवन, फर्नेस, कोई भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह है इसका टेम्परेचर सेट करके उसको हम ऑन ऑफ करा सकते हैं। तो ये हमारा जो टेम्परेचर कंट्रोलर है इसका यही कार्य होता है। और इसके जो भी ये कनेक्शन है यहाँ, तो इसके ये जो कनेक्शन है ये वाले बड़े सावधानी के साथ हमें करने चाहिए। और आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो मेरा चैनल लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।